भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज खेला जाएगा। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें सीरीज में एक एक की बराबरी पर चल रही हैं। पहला T20 मैच न्यूजीलैंड की टीम ने 21 रनों से जीता था, तो वहीं दूसरा T20 मैच भारत ने 7 विकेट से जीत लिया था। अब ये सीरीज का तीसरा T20 मैच, जो भी टीम जीतेगी सीरीज पर उसी का कब्जा हो जाएगा। जाहिर है दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगी। भारत अगर जीतता है तो वह लगातार चौथी बार न्यूजीलैंड को हराएगा। इसके साथ ही टीम इंडिया लगातार 8वीं बार सीरीज जीतेगी। वहीं अगर न्यूजीलैंड इस मुकाबले को जीत लेता है तो कीवी टीम 2012 के बाद भारत में पहली सीरीज जीतेगी। टीम ने 2012 के बाद से भारतीय सरजमी पर किसी भी फॉर्मेट की सीरीज नहीं जीती है। दरअसल पहला T20 मैच झारखंड के रांची में खेला गया था। इस मैच को न्यूजीलैंड ने 21 रनों से जीता था। वहीं दूसरा मैच उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खेला गया था। इस मैच को टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत लिया था। वहीं अब सीरीज का तीसरा मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमों में कोई भी इस मैच को जीत लेता है तो सीरीज उसी की हो जाएगी। टेक्स रिपोर्ट, मुंबई महानगर।